हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। सो आप लोगों के इतने सारे क्वेश्चन आ गए थे आरओ आरओ को लेकर के कि कौन से बुक लिस्ट किए जाए, इतने कम समय में कैसे किया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम आएगा तो जैसे पीसीएस का एक एक ऐसे स्पीड में भागा है ना कि अभी फॉर्म भरा और उसके बाद जो है इधर अपना पेपर हो गया। तो ऐसे ही आरओ के साथ होने वाला है, 2 से 2.5 महीने मिलेंगे आपको, तो आपकी तैयारी उससे पहले होनी चाहिए। और 1 महीने है सिर्फ फॉर्म आने में, और तो आप अपना उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब बात कर लेती हूँ। जैसे आप लोग ना पूछे थे कि कैसे क्या पढ़ें, क्या एक स्टेप रखें स्टार्टिंग में, तो मैं आप लोगों को बताऊँ। आप ना पहले अपना जो बेसिक सब्जेक्ट है, या जैसे बेसिक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कल के वीडियो में मैंने बताया था कि किस सब्जेक्ट पे पहले कमांड करें, किस पे बाद में करें। ठीक है, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस, इन सब पे पहले फोकस करें और जो भी हैं टॉपिक उस पे बाद में फोकस करें। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि पहले क्या करें। तो पहले आप कहीं से कोई वीडियो मिल जाए या खुद की बुक से आप कंप्लीट करें, और उसके साथ जो है आप पहले ये घटना चक्र लगा लें, पूरा लगा लें। 2023 का आ गया है तो आप इसको जा करके ले लें। और ये जैसे मैंने ना हिस्ट्री लिया है ये, ठीक, और उसके बाद जो है भूगोल का है, और मैंने ना विज्ञान लिया हुआ है, और ये है पॉलिटी का, मैंने 4 लिया है। ये 4 जो मतलब एक मेन सब्जेक्ट है जहाँ से नंबर भी गेन कर सकते हैं। तो मैं बता दूँ, ये 4 आपको 5 1500 में मिल जाएगा। ठीक है, और आपके पास फिर 4 किताब और लेनी होगी इन्वायरमेंट की, और मैं सारी चीज़ें आपको शेयर कर दूँगी। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा जब बताने लगेंगे, तो आप पहले ना सॉरी पहले जा करके आप इसको ले आइए। आपने कितना पढ़ा या नहीं पढ़ा वो आप मैटर नहीं करता, आप इसको लगाएं। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जब आप लगाने बैठेंगे ना, तो इसके अंदर पूरा समझाया हुआ है, पूरी टॉपिक समझा दी है, या पहले इन लोगों ने पूरा समझा दिया है टॉपिक को, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो ये बेस्ट है, एक तरह से समझ लो कि ये आपकी एक बुक है। बस यही है कि अलग अलग दिया हुआ है, और बुक में होता है एक पूरी लाइन से दी होती है, उसमें क्वेश्चन नहीं होता, बस यही फ़र्क है। तो आप ना पहले इसको लगाओ और अपने सब्जेक्ट कंप्लीट करो। तो आगे मैं बात करूंगी हिंदी के लिए कौन सी बुक आप लें, उसके बाद जो है पॉलिटी के लिए कौन सी बुक लें। मैं बुक अलग अलग बात 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 करती रहूंगी और उस टॉपिक को बताती रहूंगी, कौन से टॉपिक को पहले पढ़ लें, कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ लें। अगर आप लोगों ने अभी स्टार्ट करी है, आप एकदम नए हैं, तो आप पहले टॉपिक को कंप्लीट करें, बाद में मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ें, कौन से टॉपिक को कम पढ़ें। और एक मैम का था हिंदी के लिए, तो मैं हिंदी के लिए अभी बता दे रही हूँ कि या तो आप जो है हरदेव भारी के ले लेना, ठीक है, या पिंक सिटी पब्लिशर, ऐसे आती है ये पिंक सिटी, एक मिनट, ठीक है, ये पिंक सिटी पब्लिशर्स की है, इस तरह की, तो आप ये ले सकते हैं। या फिर मैंने सुना है डिकोड एग्ज़ाम की थोड़ी अच्छी है, मैं यहाँ उनके कोई प्रचार उचार नहीं कर लूँ, बस मैंने सुना है, मैंने अभी लिया नहीं है, देखते हैं, अगर लूँगी तो बताऊँगी, नहीं लूँगी इसी से, मैं इसी से पढ़ती हूँ, तो आप इतना जो है, या फिर मैं जो भी होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इतना हिंदी के लिए ये बता दिया मैंने, आप पहले फिर उसे आप पहले पूर्वालोकन लगाइए, और हिंदी के लिए मैंने अलग बता दिया, उसको छोड़ देना। ठीक है, पहले आप पूर्वालोकन लगाओ और उसके बाद जो है आप अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। बुक लिस्ट मैं अलग अलग बुक बता दूंगी, और मैंने वीडियो पहले बनाई हुई है, तो आप उसको जा करके देख लेना। ठीक है,